मियां तारिक महमूद और एजाज रनिया ग्रुप में फायरिंग का तबादला, जिसके नतीजे में मियां तारिक महमूद और इनका ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। बाद अज़ां एजाज रनिया और इनके साथी मियां तारिक महमूद को अगवा करके अपने डेरे पर ले गए और वहां इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एजाज रनिया और इनके साथी मियां तारिक महमूद को जख्मी हालत में नामालूम मुकाम पर छोड़कर फरार हो गए। मियां तारिक महमूद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। मियां तारिक महमूद ने जज्बा से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, नहीं आप वो चाह रहे चौधरी जी इसके पीछे जो आरोप में बैठा के वो रनिया वालों को इजाज को इखलाक को तैयार करते रहे। जब से मैं मुस्लिम लीग आप को मैंने छोड़ा था उस वक्त से वो हर कई हमले हुए हैं मेरे पर। मैंने डीपीओ साहब को रिक्वेस्ट की थी 2-3 महीने पहले जब ये आए हैं, मैंने कहा इनको असला लेके फिरते हैं और ये किसी उनके कहने पर लगे हुए हैं। आप मेहरबानी करके मेरी एक दफ़ा मैं आपसे मीटिंग कर लूँ और आपको बता दूँ कि ये सूरत हाल है। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं हमारा तहफ़ कर सकते हैं तो ठीक, वरना मैं 5-6 महीने साल के लिए किसी बाहर के मुल्क में चला जाता। लेकिन उन्होंने कहा जी वो मुझे मजबूरी आई थी, वो आप भी आज भी उनका मुझे सुनाया था पूछा। लेकिन मेरे भाइयों बात यह है कि इससे ना ये सियासत दबेगी, ये खून खराबा करके अपना रोग जिले के ऊपर जमाना चाहते हैं ये नहीं है। अल्लाह मेहरबानी करेगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैं किसी से लड़ता नहीं, मैं कानून का भी सहारा लूंगा अपने अल्लाह का। हमले के बाद जिला की लीगी की आदत और कारकुनान अस्पताल पहुंच गई। रिपोर्ट कामरान मलिक, जज्बा न्यूज, गुजरात।